नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन नेशन और मैं हूं आपके साथ मेघा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां कर रही थी, वैसे माहौल के बीच अखिलेश यादव ने डिंपल यादव को बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं दी। यूपी चुनावी नतीजों के बाद ये सवाल लगातार उठ रहा है कि जब डिंपल यादव का मैजिक समाजवादी पार्टी के नतीजों पर देखने को साफ साफ मिल रहा था, तो अखिलेश ने डिंपल यादव से छठे और सातवें चरण में प्रचार क्यों नहीं कराया? क्यों इस बार के विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक होने के बावजूद डिंपल यादव बहुत ज्यादा रैलियों में या सभाओं में नजर नहीं आई? इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे। बता दें आपको, इस सवाल के जवाब के लिए आपको जाना पड़ेगा काफ़ी पहले समाजवादी पार्टी में, जब प्रचार हो रहा था, यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 के दौर में। ऐसा कहा जाता है, जानकारी ऐसी मौजूद है सोशल मीडिया पर, कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के उस वक्त के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव 2017 में हंडिया और इलाहाबाद में प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने गई थी। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने डिंपल के साथ काफी खराब बर्ताव किया। कार्यकर्ताओं ने डिंपल यादव की सुरक्षा में सेंधमारी की। डिंपल ने कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। डिंपल ने इन कार्यकर्ताओं को ये तक कह दिया था कि अखिलेश भैया से इनकी शिकायत करेंगी। इलाहाबाद के हंडिया में साल 2017 के दौरान डिंपल प्रचार कर रही थी। डिंपल के मंच पर आने के साथ ही सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया। पार्टी वर्कर्स की डिंपल को देखने, उनके साथ सेल्फी लेने और उनका वीडियो बनाने की धुन ने डिंपल को परेशान कर दिया। कार्यकर्ता मंच के सामने खड़े हो गए। वहां मौजूद सपा प्रत्याशी ऋचा सिंह ने कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने ऋचा सिंह की बात भी नहीं सुनी। काफी देर तक डिंपल मंच पर चुपचाप बैठी रही। इसके बाद माइक संभालते हुए उन्होंने कहा, कल अखिलेश भैया आ रहे हैं, तब आपकी शिकायत करूंगी। कार्यकर्ताओं की अनुशासनहीनता पर डिंपल ने ये तक पूछा था कि कहाँ से ट्रेनिंग ली है, बहुत बुरी बात है। एक कार्यकर्ता से डिंपल ने कहा, इन्हीं का नाम दूंगी, कल तुमसे भैया मिलेंगे। हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं से परेशान होकर डिंपल ने कहा, बिल्कुल शांत हो जाइए, मैं जाऊं, अगर आपने एक भी लाइन बोली तो मैं इधर से चली जाऊंगी। आपको बता दें, साल 2017 में इस रैली में डिंपल यादव के साथ काफी अभद्र बर्ताव सपा कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया था, और इसी के बाद से डिंपल यादव की रैलियों में मौजूदगी को कम कर दिया गया। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।